यहाँ हमारे पास खाने के लिए क्या है? आइसक्रीम? बहुत बढ़िया। अच्छा है कि कुछ मकई खाया जाए। सभी मेरे रास्ते से हटो, नाश्ता करने की बारी मेरी है। इस तरह से तो तुम पूरी फ्रिज ही खाली कर दोगी सूजी। यह क्या हो रहा है? ओह, एक और चुनौती की तरह लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि मुझे अपना पेट भरने का मौका मिला है। हालांकि अगर मुझे धीरे धीरे खाना है तो इसकी संभावना कम है। मुझे तो तेज गति से खाना है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। यह बर्गर तो बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। अब मैं पूरी तरह से हर अंतिम टुकड़े को काट काट कर खाऊंगी और आनंद लूंगी। सूजी, मुझे लग रहा है कि तुम जरूरत से ज्यादा धीमी हो रही हो। अगर तुम इसी तरह से खाओगी तो तुम कभी खत्म नहीं कर पाओगी, तो क्यों ना मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। और यह हो गया, अब केवल अंत का है तुम्हारे लिए। मुझे सही में यह पसंद आ रहा है। अरे, इसके सारे अच्छे सामान किधर गए? मैरी, क्या तुमने ऐसा किया? मैं बस तुम्हारी मदद कर रही थी, माफ करना। अब और बात करने का समय नहीं है। यह डबल डेकर बर्गर मुझे बुला रहा है। मेरे साथ भी ऐसा ही है और मेरे पास इसके साथ लेने के लिए कोक भी है। अब देखो, मैं तो इसे जल्दी से खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करूंगी। मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। हो गया और हो गया। अब इनको नीचे उतारने के लिए एकदम सही कॉम्बिनेशन। ये मुझे इस बार अच्छा कार्ड मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। कछुए का जीवन मुझे मिला है। स्लाइमी मछली, कहो ऐसा नहीं है। मैं इसे किसी भी गति में नहीं खाना चाहती। यह बहुत बदबूदार है और फिसल भी रही है। छी। नहीं, बस हो गया, मैं अब और नहीं कर सकती। मुझे लगता है मेरी तबीयत ही खराब हो जाएगी। यह इतना बड़ा क्यों है? यह तो एक बुरे सपने की तरह है। मैरी, तुम यह कैसे कर पा रही हो? वह? मेरा मतलब है यह सब उतना बुरा नहीं है। इसे देखो। मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारा प्रदर्शन दोहरा पाऊंगी और तुम्हें करना भी नहीं है। हम तुम्हारे लिए समुद्री खाने का स्मूदी बनाने जा रहे हैं। अब इस महाशय को ब्लेंडर में डाल दो और अब हमें बहुत ही सुगंधित ड्रिंक मिलेगा जिसे तुम जल्दी से पी पाओगी। लो, अब पियो। पर मैं नहीं पीना चाहती। पर तुम्हें तो पीना ही पड़ेगा, तुम्हें पसंद आएगा। थोड़ा सा भी नहीं। आह, टुकड़े की बात कर रही थी। छी। ऐसा होता है। मैं नई डिश के लिए तैयार हूँ और मुझे जो कुछ भी मिलेगा उन सबको खाने के लिए भी तैयार हूँ। मध्यम गति, ठीक है। मैं अपने कार्ट से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। थोड़ा धैर्य रखो। क्या कर रही हो मैरी? मैं इन सारे चिप्स को इस कटोरे में डाल रही हूँ। अब इस डब्बे की जरूरत नहीं है। और यह अंतिम समूह चिप्स का। और अब अंतिम चरण का काम। तुमने ऐसा क्यों किया? सर ऊपर करो, मुंह पूरा खोलो मेरे दोस्तों, और अब खाओ। मुझे नहीं लगता कि एक चिप भी मेरे पास आ पाएगी। ओह, शायद थोड़ा जल्दी बोल दिया, पर मुझे और चाहिए। चलो अब आओ भी। धीरे करो, मैं इन सबको इतनी जल्दी नहीं पकड़ सकती। कोई चिप्स के बरसात में फंस गया है। मैं इसके लिए पागल नहीं हूँ। ये तेज गति ही मेरा नाम बन गया है। वही पहले जैसा।
यह सच नहीं है। हमें एक नया व्यंजन मिला है, नूडल्स सॉस के साथ। मैं सामान्य गति से इसे एक बार खाती हूँ। और यह रहा, मुझे नहीं पता है कहाँ से शुरू करना है। ओह, मुझे इसे और कॉम्पैक्ट बनाने की आवश्यकता है। यह बेहतर है। अच्छा शिष्टाचार है। बहुत स्वादिष्ट। अब तुम्हारी बारी है। मेरा सुझाव है, अब तुम इसे शुरू करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह काफी समय लेगा। वाह, कितना लंबा नूडल्स का टुकड़ा। पता नहीं इसका छोर किधर है। या क्या, तुम इधर क्या कर रही हो? मैं अभी बहुत उलझन में हूँ। जेन, यहाँ से चली जाओ। माफ करना, मुझे बस इस नूडल्स को खत्म करना है। बस तुम अब यहाँ से जाओ। ओह, व्हाट? मैं बस अब अंत के पास ही हूँ। आह, यह कचरे के डब्बे में खत्म हो रहा है। इस सब के पीछे जरूर मेरी का हाथ है। यह सब मुझे पता होना चाहिए था। बस तुम देखती रहो मेरी। कचरे वाला खाना बहुत मजेदार। हाँ नहीं, वो वास्तव में पागल लग रही है। अब अपने खाने का आनंद लो। ओह, आखिरकार मुझे तेज गति से खाने को मिला है, और वह भी केक। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो मैं पहले शुरू करती हूँ। मैं तो बस इसमें खो ही गई हूँ। अब मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। अभी रुको, मैं शुरू कर रही हूँ। मेरा विश्वास करो, मुझे इसे खत्म करने में बस थोड़े ही समय लगेंगे। मैं हमेशा से केक में अपना पूरा मुंह घुसाना चाहती थी। वाह, मुझे नहीं पता था कि वो मीठा इतना पसंद करती है। तुम लोग क्या देख रही हो? यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुमने अपनी प्लेट तक साफ कर ली है। मैं धीरे से शुरू करूंगी, बस अपने फ्रॉस्टिंग के साथ। और हम तुम्हारे केक का ध्यान रख लेंगे। अरे, मेरा सारा केक कहाँ गया? तुम एक घोंगे की गति से चल रही थी तो हमने तुम्हारी मदद कर दी। कैसे दोस्त हो तुम लोग। इस बार किसी को भी मेरे डिश को लेने का कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर से इतना समय लगेगा। अरे नहीं, ब्रोकली, इसे खाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। छी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लगता है सूजी को पसंद नहीं आया। मुझे भी यह पसंद आएगा, इसमें संदेह है। लेकिन तब भी मेरे पास बहुत समय है इसे खाने के लिए और इसे बेहतर बनाने के लिए। और इस तरह से तुम्हारे शुरू करने से पहले ही मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। धैर्य एक गुण होता है मेरी दोस्त। अब देखो यह कितना सुंदर हो गया। और अब इसे ऊपर से कुछ सॉस के साथ सजा देती हूँ। यह तो पाक कला की एक कृति बन गई है। सुंदर, स्वादिष्ट और पौष्टिक। अब खाने का समय। अरे नहीं, मैंने इसे स्वादिष्ट कहकर गलती कर दी। यह तो बहुत गंदा है। यह चीज सॉस मुझे बचा लेगा। अब मैं इसे खाने से डर रही हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं इसे तोड़ दूं तो यह आसान हो जाएगा। देखो जल्दी हो रहा है। मैं इस छोटे पेड़ के हर टुकड़े को खींच लूंगी।
यह अटक गया था, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। कितना शर्मनाक है यह। आज भाग्य मेरी तरफ है। हम उसके बारे में बाद में देखेंगे। यह कैसा पौधा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओह, कितना नुकीला है। मैं कोशिश करती हूँ। इसकी कोई संभावना नहीं दिखती कि यह मुझे पसंद आएगा। छी, मेरा हो गया, मैंने कोशिश कर लिया, बस हो गया। क्या सच में यह इतना खराब है? अगर मैं इस चीज को काट दूं तो शायद यह उतना बुरा नहीं होगा। चलो देखते हैं। छी, नहीं, कोई अच्छा नहीं। पर अगर मुझे सही याद है तो यह चीज हमारी त्वचा के लिए अच्छा होता है। एक फेस मास्क मेरे लिए अच्छा रहेगा। मैं महसूस कर सकती हूँ कि मेरी त्वचा मुलायम हो गई है, जैसा कि मैंने कहा था। मैं क्या करूँ? ठीक है, अब जो है सो है, मुझे शुभकामनाएं दो। वाह, सूजी के पास एक मजबूत इच्छा शक्ति है और दांत भी। मैं अब और थोड़ा भी नहीं खा सकती, मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए था। वैसे देखो मैंने इसे क्या बनाया है, कोई बुरा नहीं। चलो आगे बढ़कर शुरू करते हैं। तुम्हारे लिए यह कहना आसान है, तुम्हारे कार्ड की वजह से तुम इस दौर को जल्दी खत्म कर पाओगी। मुझे इसके उल्टा मिला है। मेरे लिए बीच का मध्यम ठीक है, बुरी शुरुआत नहीं है। वाह, आइसक्रीम। हाथ में एक चम्मच लेकर मैं इसका आनंद आखिरी मिनट तक ले सकती हूँ। सामान्य गति से स्ट्रीट को खाना एकदम सही दृष्टिकोण है। यह बहुत स्वादिष्ट है और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं है। ओह, सब खत्म हो गया। इसका मतलब मेरी बारी है। तुम अपनी चम्मच को एकदम नीचे तक क्यों डाल रही हो? क्योंकि मैं अपने लिए एक बड़ा सा पॉप्सिकल बना रही हूँ। इसकी वजह से इसे खाना बहुत आसान हो जाएगा। अरे नहीं, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है सूजी? मैं ठीक हूँ, बस यहाँ थोड़ी ठंड है। बेचारी लड़की, शुक्र है कि ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं होगा। मैं धीरे धीरे इसे चम्मच में लूंगी, इसे यह थोड़ा गर्म और पिघल जाएगी। अब एक मिल्क शेक की तरह लग रहा है। अब मैं इसे पीने के लिए कोई उपाय लगाती हूँ। तुम तो बहुत स्मार्ट हो। अरे, सब कहाँ चला गया? जेस, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। एक पूरी जार भरकर न्यूटेला, बहुत बढ़िया। अगर तुम लोग बुरा ना मानो तो क्या मैं पहले जा सकती हूँ? इस राउंड में टोस्टर की जरूरत होगी। इसकी मदद से मैं कुछ बहुत ही स्वादिष्ट बनाऊंगी, एकदम सही कुरकुरे टोस्ट। बस अब इसमें न्यूटेला लगाना बाकी है। बहुत अधिक मात्रा में न्यूटेला की परत लगाती हूँ। अब मैं खा सकती हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, यह जोड़ी स्वर्ग से बनकर आई है। यह एक जीनियस आइडिया है, कृपया यह चीज मुझे दो। हो गया। मुझे टोस्ट बहुत पसंद है, मैं तो इसे बिना किसी चीज के साथ खा सकती हूँ। पर एक मीठा चीज छूटना नहीं चाहिए। यह दोनों चीज आपस में मेरे पेट में जाकर मिलेंगे। सूजी, जरा देखो जैस ने कितनी गड़बड़ फैलाई है। मुझे कोई परवाह नहीं, यह इसके लायक था। एमा, अब यह तुम्हारा है।
जब किसी मीठी चीज को तैयार कर रहे हो तो किसी को भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले मुझे थोड़ा चक्कर देखना चाहिए। ओ, इससे जो ये तार निकल रही है ना, इससे तो और भी मुंह में पानी आ जाता है। ओ, और यह चॉकलेटी सुगंध, यह कैसी गंध है? अरे नहीं, मेरी टोस्ट जल गई। ओ, अब यह एक जले हुए कोयले की तरह दिख रहा है। हमें आग की लपटों को बुझाना होगा। धन्यवाद सूजी, पर यह बहुत ज्यादा था। वाह, मेरे लिए एक और तेज दौड़। और जबकि यह टेबल पर है तो मैं तैयार हूँ। चलो लड़कियों, तो हम शुरू करें। रैपर हटा दिया, अब बेहतर है। ओ, यह गम तो बहुत ही नरम है, एकदम सही। अब बबल बनाने का समय। चलो जैस, हमें दिखाओ कि तुम क्या कर सकती हो। वाओ! मेरे पास मापने के लिए टेप है, लगभग 1 इंच, बुरा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एमा, तुम्हारी बारी है, चलो शुरू करो। मुझे जल्दी करने से कोई मतलब नहीं है, मैं धीरे धीरे पर निश्चित रूप से ऊपर वाला टुकड़ा उठाऊंगी। ओ, इसका रंग बहुत अच्छा है ना, और इसकी सुगंध के तो क्या कहने। पहला टुकड़ा, स्वादिष्ट। ठीक है, अब फुलाओ। वाह, यह तो छोटा सा बबल है, नन्ना नन्ना सा। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अंत तक उसके स्वाद का आनंद लिया है। अब एक पेशेवर के लिए रास्ता बनाओ, मेरा मास्टर क्लास अब शुरू होने वाला है। मैं यह सारा गम खाने वाली हूँ और अब इन सबको चबाती हूँ। वाह, यह तो एक विशाल काई बबल है, कृपया इसे फोड़ना मत। ओ, मेरा चेहरा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। इसे तो एक रिकॉर्ड बनना चाहिए। बकवास, इस बार मुझे धीमे गति से चलना होगा। जब बात नींबू की हो तो यह सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। वाह, अच्छे से किया है अम्मा। अब बस मुझे इसे खाने की हिम्मत मिलती रहे। कितना भयानक, इसे तो देखना भी मुश्किल है। यह असंभव है। बस हो गया, अब मैं अवार्ड नहीं खा सकती। अब मेरी बारी, तो मुझे भी इस खट्टी चीज को खाने के लिए इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं अपना पूरा समय लगाकर इसे खाऊंगी, हालांकि मैं इसे खाना नहीं चाहती। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि यह कैसा है। सच में मजाक नहीं कर रही हूँ, यह बहुत खट्टा है। ठीक है, हो गया, अब अंत में मैं ही बची हूँ। मुझे शुभकामनाएं दो। मुझे एक आइडिया आया है। यह क्या है? यह एक विशेष प्रकार का उपकरण है जिससे कि मैं जल्दी से नींबू का रस बाहर निकाल सकती हूँ। यह तो सच में काम कर रहा है। जैस, एक खट्टा फव्वारा बन गई है। कोका कोला, बहुत बढ़िया, और एक बहुत बड़ी बोतल भी है, पर मैं अपना सोडा बर्फ के साथ पसंद करती हूँ। इस तरह से बहुत ताजा और स्वादिष्ट हो जाता है, एकदम सही। जैस, क्या तुम तैयार हो? इसके बारे में कोई सवाल नहीं। और तुम्हें पता है क्या, मुझे पता है कि किसी ड्रिंक को कैसे धीरे धीरे पीना है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना असामान्य तरीका है, यह बढ़िया से काम कर रहा है। मैं ऐसा कुछ भी करने वाली नहीं हूँ, मैं तो इसे पूरा एक बार में ही गटक जाऊंगी। यह बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी थोड़ी दो ना। यह क्या किया, मैं पूरी तरह से कोक में भींग गई हूँ सूजी। फिर से धीमी गति के साथ, अच्छा नहीं है। पर जब बात मिर्च की हो तो यह शब्द सही नहीं है। ओ, यह तीखा है, लेकिन वास्तव में मुझे यह पसंद आया। मैं तीखा बिल्कुल ही नहीं खा पाती हूँ। मैं बस इस मुसीबत को थोड़ा सा टुकड़े में काट कर खाती हूँ। पर यह मत भूलना कि तुम्हें धीमी गति से खाना है। मैं अब और नहीं रख सकती, नियम तो नियम है। बस कुछ सेकंड और। आह, मेरा मुंह जल रहा है, मुझे इसे तुरंत ठंडा करना होगा। अब ठीक है, मैं तो कल्पना करके ही डर रही हूँ कि मेरे साथ क्या होने वाला है। जरा रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। टबैस्को, यह तो और भी भयंकर है, पर खाने में आसान है। यह बहुत तीखा है। वह देखो, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, बहुत सारा दूध, बहुत सारा। ओ, मुझे लगता है जैस की हालत मुझसे भी बुरी है। समापन के लिए नूडल्स, कोई बुरा नहीं है। और मैं इसे खरगोश की तरह जल्दी से खाऊंगी। मुझे लगता है कि इसमें कुछ कमी है, या काली मिर्च सही रहेगा। सावधान, ज्यादा मत डालो। अब मैं बस खाना शुरू करती हूँ। स्वादिष्ट। लड़कियों, अब तुम्हारी बारी। अपने बारे में कहूँ तो मैं इस डिश के लिए इतनी रोमांचित नहीं हूँ, और इस रेंगने वाली गति से तो कोई मदद नहीं मिलने वाली। लगता है कि जैस पूरी तरह से सो गई है। चलो थोड़ा मजा करते हैं। आशा है कि उसे वसाबी पसंद हो। चलो अब पता लगने ही वाला है। यह क्या हो रहा है? ओह, वसाबी? माफ करना, हम भूल गए थे कि तुम्हें तीखा नहीं पसंद है। लड़ो मत तुम दोनों, अब तुम देखो कि नूडल्स को कैसे खाया जाता है। केचप ऊपर जाता है, स्वादिष्ट। मुझे चुनौतियां बहुत पसंद है। एमा, बहुत अच्छी लग रही हो। तुम सही कह रही हो, अब ये तो मेरा चबाना और निगलना होगा। मध्यम गति, बुरी शुरुआत नहीं है। भाग्यशाली हो, सबसे ज्यादा भाग्यशाली मैं निकली। अरे नहीं, ये टबास्को सॉस है। मुझे लगता है कि यह हम सभी के लिए गर्म दौर है। वाह, मेरा तापमान वास्तव में बढ़ रहा है। मुझे डर लग रहा है। शुरू करो मोनिका। ठीक है, पर पहले मुझे कुछ तैयारी करनी होगी। हाँ, अब इन चम्मचों में टबैस्को डालना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुम ये क्यों कर रही हो? क्योंकि यह वास्तव में मुझे धीरे, बहुत धीरे खाने में मदद करेगा। लेकिन यह अभी भी गर्म हो रहा है। ओ नहीं, मैं गर्म और गर्म होती जा रही हूँ। बेचारी,
मैं चल रही हूँ। चलो कुछ ठंडे स्टेक का उपयोग करते हैं। धन्यवाद, अब मुझे अच्छा लग रहा है। धन्यवाद मोनिका, अब यह मीट अच्छी तरह से पक गया है। तुम अपने तीखे टबैस्को को मत भूलना। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, तुम सही मायने में मेरी दोस्त हो। मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है। हो गया, मैंने कर लिया, अब बस कुछ विस्फोट ना हो जाए। खैर, यह एक धमाका था सच में, पर अब हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया हेयर स्टाइल है। इस बार हमें धीरे करना होगा। हाँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सुपर स्पीड क्या होती है। ये कैंडी तो कमाल के दिख रहे हैं। आराम से लड़कियों, चलो इसे मिलाते हैं। हाँ? वाह, ये कितना बढ़िया हो गया। मैं शुरू करती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। चलो, यह मजे करने का समय है। मैं हार नहीं मानूंगी। चोट लग गई, पर मैं अभी इस कैंडी को खत्म कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया, अब तुम्हारी बारी। अब खाने की बारी मेरी। मोनिका, तुम सही कह रही थी, यह स्वादिष्ट है। मुझे लगता है हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम मजे करें और सोए नहीं। तो फिर इसके कैंडी में थोड़ा कुछ मिलाएं। अरे यार, ये कितना खट्टा है। मुझे अपना मुंह जल्दी से धोना होगा। जब तक तुम ऐसा कर रही हो, तब तक मैं अपना कैंडी खाती हूँ। देखती हूँ मैं कितना समय लगाती हूँ। मुझे यकीन है कि मैं इन कैंडीज को तुमसे 10 गुना तेजी से खा सकती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो मैरी? मैं यह काम ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकती, पर ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा करने जा रही हूँ। यह कैंडी की बारिश हो रही है। बहुत बढ़िया, यह तो कमाल हो गया। लगता है मैं भाग्यशाली निकली। मैं तो नहीं। चाइनीज नूडल्स, मुझे यह बहुत पसंद है। चलो देखती हूँ कि तुम सिर्फ एक चॉपस्टिक के साथ यह कैसे कर पाओगी। यह अजीब बात है, मुझे एक ही चॉपस्टिक मिला है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं यह संभाल लूंगी। मैंने बहुत सारा उठा लिया। यह वास्तव में काम किया। मेरे तो जीभ में पानी आ रहा है। हो गया, अब तुम्हारी बारी। कमाल का, और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। हाँ, मेरे चॉपस्टिक को क्या हुआ? तुम लोग थोड़ी जल्दी खुश हो रही हो, मैं किसी भी तरह से यह करके रहूंगी। लगता है कि यह पता लगाने के लिए हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। चलो अब आ भी जाओ। कितना दुख भरा प्रयास, यह कोशिश करने के लायक था। यम। कुछ एरोबेटिक्स के लिए तैयार हो जाओ, मैं इन नूडल्स को कुछ ही सेकंड में खत्म कर दूंगी। चलो इसे करते हैं। वाह, वह तो इतने सारे हाथों के साथ किसी देवी की तरह दिख रही है। हो गया, मुझे चक्कर आ रहा है। ओह, लगता है इस बार किस्मत मेरे साथ नहीं है। आखिरकार अब मैं जल्दी से सब कुछ खा सकती हूँ। वाह, गमी टेप, मेरे पास आओ।
देखो यह कितना आसान हो सकता है। यह खाने में बहुत सुविधाजनक है। मैं बहुत खुश हूँ। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। मेरा हो गया, अब तुम लोग तैयार हो जाओ। जैसा तुम कहो। ओह स्ट्रॉबेरी, मेरा पसंदीदा फ्लेवर। ये आखिर खत्म कब होगा? हमें यह काम उसके लिए थोड़ा आसान बनाना होगा। हाँ, अच्छा किया मैरी। बहुत बढ़िया मोनिका। चलो देखते हैं कि मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ कि नहीं। चलो शुरू करती हूँ। अब यह हुई ना स्पीड। कई सालों की मेहनत ने मुझे एक असली चैंपियन बनाया है। माफ करना, यहाँ तो लगभग आग लग गई थी। सबसे तेज इस बार मैं होंगी। मैंने और मैं इस बार थोड़े पीछे रह जाएंगे। मैं कितनी भाग्यशाली निकली, बहुत सारा जेली। चलो पता लगाते हैं इसका स्वाद कैसा है। वाह, इसके अंदर तो कुछ भरा हुआ है। चलो इसे एक कप में डालती हूँ और अब इसका मजा लेती हूँ। बहुत बढ़िया आइडिया था, यह बहुत अच्छा था। अब तुम्हारी बारी है। मुझे इसके साथ बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मेरे पास यह खाने का कमाल का तरीका है। मैं हर बोतल में एक स्ट्रॉ डालूंगी। कितना अच्छा लग रहा है। इस दौर में मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं कि मैं तुम दोनों से बेहतर कुछ कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ। कितनी देर से चल रहा है, नींद आ रही है। एक बूंद, दो बूंद, मुझे सच में कोई हड़बड़ी नहीं है। हमें बीच में दखल देना होगा, थोड़ा टवेस्को डालना होगा, फिर स्पीड तुरंत बढ़ जाएगी। एक और बोतल। अब यह हुआ ना मजेदार। मेरा मुंह जल रहा है। मैं फिर से किस्मत वाली निकली। मैं उतनी खुश नहीं हूँ। मेरा भी वही हाल है। मीठे जेल, ये मुझे नीला मिला और मुझे हरा। मुझे पूरा यकीन है कि ये नीले वाले से बेहतर होगा। हाँ, इतना स्वादिष्ट अगर कुछ खाने को मिल जाए तो इसके बाद मैं अपना जी भी खा जाऊं। अफसोस है इतना जल्दी खत्म हो गया। अच्छा है कि मैं आराम से खाने का मजा ले सकती हूँ। कितना सुंदर स्पाइरल। धन्यवाद, मैंने कोशिश किया है। वाह, क्या मस्त फेंका है। ठीक है, शुरू करती हूँ। यह जेल तो मुझे हिप्नोटाइज कर रहा है। अरे होश में आओ। ठीक है, मैं मदद करती हूँ। मुझे कुछ भी नहीं याद। यह जेल तो मेरे चेहरे पर है, वो बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारी बारी मोनिका। मैं इसका हर एक बूंद पी जाऊंगी और यह करने का सबसे अच्छा तरीका है एक साधारण कपड़े के पिन की मदद ली जाए। देखो, आह कितना मीठा है। तुम्हें पता है, मुझे लगता है यह अच्छे से काम कर गया। हाँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ।
हाँ बिल्कुल, क्या किस्मत ने आखिरकार मेरा साथ दिया है और मेरा भी और मेरा नहीं, लेकिन लगता है इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे बदबूदार चीज बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे तो इसे देखकर ही उल्टी आ रही है और इसकी गंध तो और भी बदतर है, लेकिन तब भी खाकर देखती हूँ। उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था, यह मुश्किल था। मुझे अपने मुंह को साथ तुरंत ठीक करना होगा। ओह, अब ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है। मुझे पता है मैं इसका स्वाद अच्छा कैसे कर सकती हूँ। वाव, कैनापेस, बहुत बढ़िया। हाँ, लेकिन तब भी गंदा ही लग रहा है। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, खाना ही होगा। इससे खराब डिश तो मैंने आज तक नहीं खाया है। वो तो तुरंत बेहोश हो गई। अब तो मुझे सच में डर लग रहा है। मैं चीज के स्वाद को शहद के साथ छुपाने की कोशिश करती हूँ। देखती हूँ मेरी योजना काम करती है या नहीं। नहीं, लगता तो नहीं है, लेकिन शहद के बिना तो और भी बुरा होता। रुक जाओ, मैंने कर लिया। अब मुझे बहुत सारा शहद चाहिए होगा। अब बेहतर है, हमने कर लिया। मैरी, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।